हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप इंस्टाग्राम पे गुड नोट रिफ्रेश प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं और आप बार बार इसको रिफ्रेश करते हैं लेकिन आपका जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो जब भी आप यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत समय तक यहाँ पर गोल गोल नचते रहता है, यहाँ पर वेटिंग लिखता है या फिर यहाँ पर रिफ्रेश के लिए यहाँ पर बहुत समय तक वेट करना होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आप कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हो रहा है बहुत समय से। और अगर आपको भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से बाहर आ जाना है और यहाँ से इंस्टाग्राम से बाहर आ जाइए। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम से बाहर आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। इंटरनेट कनेक्शन अगर प्रॉपर मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन कर लेना है और एक बार फिर से इसे ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद आप इंटरनेट जब जो आपका कनेक्शन है जब आ जाए तो आप चेक कीजिए कि आपका जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाना है। और ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस बार इस पर आपको एक बार फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप करने से होगा क्या कि आपका भी इंस्टाग्राम की जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, सही हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा और फिर से रीस्टार्ट होकर के ऐप जो है वो ओपन होगा। तो इस वजह से आपको एक बार फोर्स स्टॉप कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको एक बार क्लियर डाटा जो यहाँ पर दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लियर कैच पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, आप क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक मत करिएगा, क्योंकि अगर आप क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो इंस्टाग्राम पे आईडी है वो लॉग आउट हो जाएगा और आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्लियर ऑल कैच पे क्लिक करना है, क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक मत करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यूजेज डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको देख लेना है कि जो आपका मोबाइल कनेक्शन और इंटरनेट कनेक्शन अगर ये ऑफ है कोई भी तो इसे आप ऑन कर लीजिए या फिर ऑन है तो ऑफ कर लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बाहर आना है। अब आपका जो काम है वो हो चुका है, अब आपको इंस्टाग्राम को फिर से ओपन करना है। तो अब हम अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, और इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने रिफ्रेश करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखा आपने कितना आसानी से हमारा जो ये पोस्ट है वो रिफ्रेश हो रहा है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमने रिफ्रेश किया तो ये रिफ्रेश हो गया है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और